छत्तीसगढ़ चुनाव के न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में नजर डाले तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 11 सीटें मिल रही है। सर्वे के अनुसार क्लीन स्वीप यहाँ पर बीजेपी करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। सर्वे के अनुसार यह सामने आया है बीजेपी को 59%, कांग्रेस को 33% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कि पिछले लोकसभा चुनावों के स्थिति से इस बार की स्थिति बीजेपी की और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस में यह सामने आया है बीजेपी को 59%, कांग्रेस को 33% ही वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कि 11 की 11 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। किसको कितनी सीट मिलने वाली है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, बीजेपी को 59%, यहाँ पे 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर मिली है, कांग्रेस को 33%, वहीं अन्य को 8%। साथ ही अब ये तो रही फीसदी की बात, लेकिन अगर देखा जाए इसका पूरा आकलन किया जाए तो 11 में से 11 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 0, जबकि अन्य के खाते में भी 0 सीटें मिलने वाली है। 11 की 11 छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और मजबूती के साथ यहां पर नजर आ रही है। और एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं किसे कितना फीसदी वोट मिलेगा। 59% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने वाला है, 33% वोट कांग्रेस को पड़ा है और 8% यहाँ पर अन्य पार्टियों को पड़ता हुआ नजर आया है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य लोकसभा एनालिसिस में आप ये जो देख रहे हैं ये आकलन बिल्कुल सटीक हमेशा से रहा है, चाहे 2014 हो, 2019 हो और अब 2024 की बारी, जहां पर टुडेज चाणक्य एनालिसिस में यह सामने आया है कि 11 की 11 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाने वाली है। विश्वास था ही और 100 दिन में छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने जो काम किया ये सबसे और विश्वास जनता का बढ़ा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 तारीख का इंतजार करिए, पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। बोल भी अच्छा आएगा और उससे भी ज्यादा अच्छा, जो लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, एग्जिट पोल मुझे लगता है लहर को बता पाएगा, लेकिन जो भारत देश की जनता के मन में सुनामी चल रही है वो 4 जून को ही दिखेगा। मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें, तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसको उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। तो ठीक है, सब न्यूज चैनल के अपने अपने सवाल है और जगन भी करा रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही हैं।